छठी बार बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए अरुण कुमार। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव शनिवार को बगहा में संपन्न हुआ। इसमें फिर अरुण कुमार ठाकुर बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इससे गृह रक्षकों में हर्षोल्लास है। गृह रक्षकों ने कहा कि अरुण कुमार अक्सर गृह रक्षकों की भलाई के लिए सोचते हैं। इन्होंने लगातार संघर्ष कर गृह रक्षकों को सम्मान दिलवाया है, आगे भी दिलवाने का काम करते रहेंगे। किस चीज का चुनाव था और किस किस पद के लिए चुनाव? ये बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ का 3 साल पर चुनाव होता है प्रदेश कमेटी का, और जिला कमेटी का भी 3 साल पर होता है। तो ये प्रदेश कमेटी का चुनाव था और महासचिव के पद जो है निर्विरोध हुआ है, उपाध्यक्ष का पद निर्विरोध हुआ है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद निर्विरोध हुआ है, सचिव का पद निर्विरोध हुआ है। चुनाव हुआ है अध्यक्ष पद पर और कोषाध्यक्ष और संगठन सचिव पर हुआ है। अध्यक्ष पद पर हम पूर्व से पिछले 5 टर्मों से अध्यक्ष थे, हमकी गिरक्षक हमको 6ठा टर्म के लिए भी फिर अध्यक्ष बनाया है। क्या वजह है कि लगातार छठी बार जीत मिली है? छठी बार जीत क्या वजह है ये तो हमारा बिहार का एक एक गिरक्षक बताएगा जो क्या क्यों हमको अपना नेता बनाता है। ऐसे हम पूरी ईमानदारी के साथ गिरक्षक के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी जब तक जिंदा रहेंगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसके लिए हम नेता बनते हैं। क्या आपका और होमगार्ड के जो जवान हैं उनके लिए उनको जो हक दिलाने की बात है उसके लिए क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति है? आगे की रणनीति अभी पिछले 1 साल से कोरोना के चलते हमारा जो है बहुत सारा कार्यक्रम तय किया हुआ रुका हुआ है। बहुत सारे बिहार के जिलाओं में हमारा गृहरक्षक के साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है, इस बगहे जिला में भी बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन कोरोना के चलते हम अभी चुपचाप थे।